अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 1248 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसे हम प्राइम नंबर से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। और इसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक वन के और एक अपने टेबल के। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1248। तो हमें इसे डिवाइड करना स्टार्ट करना है 1248। लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2, उससे इजीली डिवाइड हो सकती है क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई वैल्यू हो जिसके लास्ट में इवन नंबर हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0, तो वो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो इस वैल्यू को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, इसलिए हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 624। लास्ट में हमारे पास फिर से इवन नंबर है, इसका मतलब है कि वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अभी भी हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर है, यानी कि अभी भी हमने इस वैल्यू को 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 2 और वो आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 11। लेकिन 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 10 और वो आता है 5 पे। यहाँ 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। फिर से हमारे पास एक इवन नंबर आ चुका है, यानी कि अभी भी हमने इस वैल्यू को 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 14 और वो आता है 7 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है यहाँ, वो चला गया इस 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 78। लास्ट फिर इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू अभी भी 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 8 के पास और ये बन गया 18। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। अब आ चुका है हमारे पास यहाँ 39। 39 के जो वैल्यू आई है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। तो 2 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करते हैं, और वो किस तरह कि हम इन दोनों डिजिट्स को अगर प्लस करें 9 + 3 तो वो बनेगा 12। 12 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 13। 13 जो है वो खुद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स 13 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से यहाँ डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ 13 को हमें 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे। इस वैल्यू को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम जो है ये इसके 1248 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनको हम लिखेंगे किस तरह, यहाँ पे इन सबको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1248 इक्वल टू, और ये तमाम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि हैं 2 × 2 × 2 × 2। हम काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं हमारे पास यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 × 3, 4 and 5 × 3 and × 13। ये तमाम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे यही जो हमारा ओरिजिनल नंबर था यही वैल्यू बननी चाहिए। अगर यही वैल्यू बनती है तो इसका मतलब है कि हमने तमाम प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।